फिलहाल गाइस अपना यहाँ पे बन चुका है, आपको इसमें कुछ दिख रहा है? नहीं दिख रहा होगा। हे यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? आई होप गाइस सब लोग ठीक होंगे। फिलहाल गाइस आज हमारे घर में साफ सफाई थोड़ी बहुत चल रही है, क्योंकि दिवाली का टाइम आ रहा है तो साफ सफाई करना जरूरी है भाई। तो फिलहाल अभी नीचे सब सफाई चल रही थोड़ी बहुत, ज़्यादा नहीं, मतलब थोड़ा बहुत जो भी सामान वामान जो रखा हुआ है गर्मियों का वो उसको रख दे रहे हैं पैक करके, क्योंकि जाड़े आने वाले हैं तो उसको सामान को पैक करके रखना पड़ेगा। पापा ने वार्न किया है कि मेरे आने से पहले पहले सारा सामान पैक हो जाना चाहिए, तो उसी को पैक करते हैं। और फिलहाल अभी तो मैं आया हूँ एक चीज़ लेने के लिए रूम में, तो मैंने कहा चलिए ब्लॉग को भी स्टार्ट कर लिया जाए। इस रूम में तो बड़ा अंधेरा हो, तो भाई मैं लेने आया था कुछ, ये देखिए कैसे कबाड़ा फैला है यहाँ पे, और इधर यार छिपकली भी हो सकती है, कुछ पता नहीं है मुझे। तो गाइस बड़ा सब तामझाम फैला हुआ है यहाँ पे, तो कैसे निकालूं? तो कुछ भी हो सकता है। तो देख रहे हो गाइस क्या क्या करना पड़ रहा है मेरे को, भाई कुछ खुद तो करता नहीं है, मेरे से करवाता है। और इसमें पन्नी तो है नहीं, शायद ये हो सकती है। हाँ ये इसको पैक करके रखना पड़ेगा, कूलर को हमको पैक करके दे दो, कपड़ों को जल्दा दो, मुझे निकल निकल के जाना पड़ता है। और अभी फिलहाल जा रहा हूँ नीचे, देखते हैं नीचे क्या हो रहा है। भाई कर रहा है कूलर की साफ़ सफाई, मैंने जैसे कि आपको बताया था इसमें चल रही है साफ़ सफाई। इसका एक दरवाज़ा दे रखा है, और एक ये खुला पड़ा है इधर से कुछ, क्या बोले? अच्छा जो पन्नी कौन लेके आया? बस पन्नी ला सकता है। अच्छा झूठ ना बोला करो ज़्यादा, भाभी से पूछता हूँ, भाभी अच्छा कौन कितना करता है? लोग बहुत करते हैं, सब लोग करते हैं। देखा एक मिनट, पहले लाइट जला लेता हूँ, आप सही आ रही होगी ना गाइस? ये पन्नी को इस पर चढ़ा देंगे, पैक कर देंगे, इसको पैक करके रख देंगे, इसको ऊपर नहीं मिली छिपकली, नहीं मुझे लग रहा था वैसे हो भी सकती है। हाँ जब मैंने गाइस मैंने आपको रूम दिखाया था ना ऊपर वाला, उसमें छिपकली इतनी मोटी मोटी, दो छिपकली बहुत बड़ी, ये तो बेचारी डर जाती हैं उससे। पहले ये लोग उसी रूम में सोते थे तो ये डर जाती थी उससे, हाँ ये उससे डर जाती थी ये। वैसे छिपकली से डरती हैं, वैसे नहीं डरती, हाँ थोड़ा बहुत चूहे से डरती हैं, वरना नहीं डरती। और इसकी ये देखो ये भी शायद गंदी होती, इधर चल रही साफ सफाई, इधर से साफ कर रहा हूँ, अपने ब्रश कुर्बान कर दिया मैंने आज, ले कूलर के नाम मैंने अपना ब्रश कुर्बान कर दिया। तो भाभी वाला ले लेता ना ब्रश। ये देखो ये गाइस हमारा ऐसा है, ये कभी चेंज नहीं करानी पड़ेगी हमें, और हमने अभी नया लिया था, ये अलग नहीं रहा नया है, कितना गंदा हो गया ना, पुराना हो गया लग रहा है भाई। इसकी वायरिंग है अच्छी खासी, तू ये क्या हो रहा है ये इतनी, तो तू फिलहाल इसको ये साफ हो रहा है, और उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, कहीं जाएंगे बाहर, अगर जाएंगे तो जाएंगे, तो इसको पहले पैक वैक करके रख देते हैं, ठीक है? इसके बाद आपसे मिलते हैं। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं बाहर, मतलब जो है मार्केट में आ चुके हैं, तो हमें था एक काम वही निपटाने के लिए आए हैं मार्केट में, और हमने सोचा आप लोगों को कैसे हम भूल सकते हैं, आप लोगों को भी साथ में ले लिया जाए, और हम एक दफ़े को अपने आप को भूल सकते हैं पर आप लोगों को नहीं भूल सकते हैं, क्योंकि अब मैंने एक अपने आप से चैलेंज किया है अपने आप से कि मुझे आप लोगों को डेली ब्लॉग देना है, चाहे अरे हे हे क्या बात है अंकल जी, हाँ तो कहाँ था मैं, हाँ तो मैंने अपने आप को खुद से एक चैलेंज दिया है कि मुझे आप लोगों को डेली ब्लॉग देना है, चाहे कुछ भी मुझे करना क्यों ना पड़े, मुझे आप लोगों को डेली ब्लॉग देना ही देना है। और कल एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, कल जो मैं ब्लॉग डालूँगा, और ये देखिए सबसे पहले यहाँ पे दुकानें लग चुकी हैं लाइटिंग वाइटिंग की,
और हाँ यार मैं बीच में यार पास हो जाता हूँ। और ये देखिए ये लाइटिंग वाइटिंग सब लग चुकी है मॉल में, और मतलब दिवाली आ रही है यार तो सब कुछ तो डेकोरेशन होगी। हाँ क्योंकि दिवाली में सब, अभी दिवाली पे एक चीज मैं आपको और दिखाऊंगा, हमारे जैसे कि भैया है हिमांशु नाम है उनका, शायद मुझे क्लियर नहीं पता, शायद हिमांशु ही नाम है उनका, वो टी कैफे के ऑनर हैं। उन्होंने भी मेरे को बुलाया था कि जो दीपावली पे आप आना मस्त, बिल्कुल काफ़ी अच्छे तरीके से हम सजाएंगे इसको, तो हमने बोला था ठीक है आएंगे, तो वहाँ पे भी जाना है तो वहाँ भी जाएंगे। अरे हाँ तो ये भाई भाई रोड पे सच्ची में हाँ ऐसे समझते हैं जैसे खुद का घर है। तो गाइस इसी चक्कर में मेरा एक्सीडेंट हुआ था अभी, तो गाइस मैं कहाँ था, हाँ कहाँ था भाई हिमांशु रोटी कैफे, नहीं वो तो हो गया ना, और आगे कहाँ था यार मैं भूल जाता हूँ। हाँ तो चैलेंज वाली बात चल रही थी, हाँ तो मैंने अपने आपसे खुद से चैलेंज दिया है कि मेरे को डेली ब्लॉग देना ही देना है आपको। हम आ गए फिर से एक बार देखिए छत्तीसगढ़ में, फिर मेरी बात पोस्टपोन हो गई। तो हाँ अब कल जो हमारा ब्लॉग है वो पड़ेगा 100वां ब्लॉग पड़ेगा कल हमारा, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है अपने आप से कि मैं 100 ब्लॉग बना चुका हूँ आप लोगों को दिखाने में, मतलब आप लोगों ने भी काफ़ी अच्छा सपोर्ट दिखाया है, तो ऐसी सपोर्ट दिखाते रहिए यार अपना, और मैं जब आप लोग सपोर्ट दिखाओगे तभी मेरे अंदर मतलब कुछ लगेगा कि हाँ मुझे कुछ करना चाहिए, कि मोटिवेट हूँ हाँ मैं भी मोटिवेट हूँ यार कुछ। अगर आप लोग जैसे मान लीजिए मैं अपनी मेहनत 100% मैं अपना दे रहा हूँ, अब आप लोग अगर 50% नहीं दोगे यार तो मैं तो निराश होऊंगा ही ना, तो प्लीज़ यार आप लोग भी थोड़ा बहुत मेरे को सपोर्ट करें, और जिन लोगों ने कर रखा है उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और जो लोग अभी वीडियो देख रहे हैं जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी जाकर चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके आगे देखिए वीडियो आराम से, देखिए वीडियो आप ही की है यार आराम से देखो कोई दिक्कत नहीं है यार। तो ये आ गए हम लोग इस टाइम स्टेशन वाले रोड पे अपने, तो अभी जाना है थोड़ा सा हमें यहाँ से भी सामान लेना है वो लेके, उसके बाद फिर जाएंगे यहाँ पे बाइक पे कुछ करवाना है हमें, तो जैसे कि आप लोगों को पता तो है ही, अगर एक दो ब्लॉग अगर आप लोग कंटिन्यू मेरे ब्लॉग देते हो तो आप लोगों को सब पता होगा यार कि मैं क्या कराने वाला हूँ क्या नहीं कराने वाला हूँ। ठीक है तो अभी पहले वो सामान लेते हैं उसके बाद फिर रिटर्न होते हैं यहाँ से। तो बस इस टाइम हम लोग रुके हैं स्टेशन पे, ये देखिए पीछे मेरे स्टेशन वाला पार्क है, और ये बहुत ही अच्छा पार्क है, मतलब आराम से बैठने बैठने के लिए बहुत अच्छा पार्क है, ये देखिए कितना शानदार लग रहा है। और ये हमारे जवाहरलाल नेहरू की मूर्ति लगी हुई है, अभी सामने से तो नहीं दिखा सकता मुझे, उधर घूम के जाना पड़ेगा तो सामने से नहीं, तो अब मैं जा रहा हूँ और चलते हैं अब। यहाँ पे देखिए पेड़ भी मिल जाएंगे आपको, अगर पीली भी गल हो तो खरीद लो यहाँ से आके। और ये देखिए सामने से, ये देखिए ये देखिए ये देखिए ये देखिए ए ए ए ए ये देखिए ये है नेहरू जी की मूर्ति। तो आप चलते हैं और आप लोगों के लिए यार सब कुछ समझ लीजिए, तो चलिए अब चलते हैं अपना काम करवाते हैं गाड़ी पे सबसे पहले, तो आप जब तक टाइम लेफ्ट एंजॉय कीजिए। फिलहाल गाइस अपना यहाँ पे बन चुका है, आपको इसमें कुछ दिख रहा है नहीं दिख रहा होगा, अब दिखेगा जब ये अंकल इसको जब हटाएंगे ना तब दिखेगा, ये तो आप दिखेगा बड़ा बड़ा लोगो अभी तक दिख नहीं रहा था, अब दिखेगा बड़ा बड़ा था, तो अब इसको लगवाते हैं बाइक पे, तो फिर उसके बाद आपको फुल दिखाएंगे कैसा लगता है बाइक पे लगने के बाद। तो गाइस अपना ये लगने के लिए तैयार हो चुका है, अब ये लगेगा यहाँ पे, आप दिखेगा बड़ा बड़ा बिल्कुल। गाइस हम लोगों का काम हो चुका है और आपने अभी देख तो लिया ही होगा, अब चलते हैं अपनी गाड़ी में, इसको भूख लग जाती है बहुत जल्दी, तो पता नहीं इतनी जल्दी क्यों लगती है इसको भूख, ये समझ में नहीं आता मुझे, इसमें तो तब भी बहुत देर में भूख लगती है इसको और एफजेड को। हाँ हमारी दूसरी वाली बाइक है उसको तो बहुत जल्दी भूख लगने लगती है, खाना दो भाई खाना, तो खाना बहुत जल्दी मांगने लगती है। फिलहाल तो सीन यही है कि इसको लगी है भूख, अब इसको खिलाते हैं इसका फेवरेट वाला खाना, वो बहुत मजे में खाती है, और फिर उसके बाद तो फिर चलने दो कहाँ कहाँ ले जाओ, फिर कोई इसको रोक नहीं सकता कि कहाँ कहीं भी ले जाओ कोई रोक नहीं सकता इसको। ये हैप्पी दीपावली, तो दिवाली का माहौल बहुत भाई देखो जो मस्त वाइब जो आती है ना दिवाली पे ही आती है। और ये देखिए अपना ठिकाना, जैसे कि मैं यहाँ गया था, आपने वीडियो अगर नहीं देखी है तो जल्दी से जाके देख लीजिए, उसका जो
वीडियो का वो है लिंक, वो डिस्क्रिप्शन में भी मिल सकता है आपको और आई बटन पे भी मिल सकता है, दोनों में से कहीं पे भी मिल सकता है। ठीक है, तो फिलहाल मिलेगा जरूर आपको। दिवाली के भाई भाई अलग ही होती है। हाँ, दिवाली पे स्वाद ही अलग आता है, मतलब दिवाली में बहुत हैप्पीनेस ऐसा लगता है। हाँ, तो अब हम आ गए हैं अपने पेट्रोल भरवाने के लिए, पेट्रोल भरवाते हैं फिर यहाँ से निकलते हैं। अब ये खाएगी खाना, इसका फेवरेट खाना खाने वाली है, और खाना 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 खाना, ये खाना इसके मुंह में लग चुका है, अब ये खाएगी खाना। तो गाइस, ये टोन मैंने आज आपको सुना के दिखाई है, आप लोगों ने कमेंट नहीं किया तब भी मैंने आपको सुना के दिखाई, तो जल्दी से जाके कमेंट कीजिए ये धुन किसकी है, तो मुझे कमेंट करके बताइए ये मैंने टोन कौन से मतलब सॉन्ग की निकाली है, तो जल्दी जाइए कमेंट कीजिए और मुझे बताइए। ठीक है गाइस, इसी के साथ इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप गाइस आपको ब्लॉग अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, और एक बार Thank you.